दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम Amazon का जो प्रोडक्ट होता है नॉन रिटर्नेबल, जिसे आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं, आप उसका रिफंड कैसे ले सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जो प्रोडक्ट आते हैं वो डैमेज आते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि पहले Amazon रिफंड नहीं देता था, लेकिन अब जो वो केस है आप उसके द्वारा रिफंड ले सकते हैं। या फिर कभी कभी ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो मिसिंग होता है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप इसकी कैसे पूरी प्रोसेस कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले योर ऑर्डर्स पर जाना होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया था वो था हॉर्लिक्स, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हॉर्लिक्स का मैं इस अगर आप इसके प्रोडक्ट डिटेल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों नीचे जाने पर दिखेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन रिटर्नेबल है, मतलब ये रिटर्न नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको इसका रिफंड नहीं मिल सकता है, इसका दोस्तों आपको रिफंड मिलेगा। तो आपको पीछे जाना है और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको रिटर्न आइटम्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि आप ये जो प्रोडक्ट है उसके साथ क्या इशू हुआ है, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर अगर प्रोडक्ट डैमेज मिला है तो आपको डैमेज वाले पर क्लिक करना है। बोथ प्रोडक्ट एंड शिपिंग बॉक्स डैमेज, तो आपको दोनों उस पर क्लिक करना है। या आपको कोई रॉन्ग आइटम मिला है, जैसे कि हॉर्लिक्स के बदले आपको सोप वगैरह मिला है, तो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। आपको दोस्तों इसमें कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर्ड मिला है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताता हूँ। और फिर उसके बाद आपको दोस्तों इमेज कैप्चर करना है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। इमेज कैप्चर करने के बाद आपको दोस्तों उसे अपलोड कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा जो ये प्रोडक्ट का है ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कमेंट डालना है कि आपका क्या प्रोडक्ट मिसिंग था। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कब अवेलेबल होगे बात करने के लिए, ठीक है। एक आपको दोस्तों टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा, आपको यहाँ पर कॉल मी बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप कॉल मी बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो टाइम दिया गया है उतने से उतने के बीच में आपको Amazon कस्टमर केयर वाले कॉन्टेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करने के बाद आपको जो इशू है वो आपसे पूछेंगे। आप सारी उन्हें जानकारी देंगे कि आपके प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 24 घंटे के भीतर ये द्वारा एक ईमेल आता है कि आपका जो है वो रिफंड का प्रोसेस हो चुका है, और दोस्तों आपका जो रिफंड है वो मिल जाता है। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को झूठा क्लेम करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और साथ ही आपका जो अकाउंट है Amazon का वो हाईलाइट कर दिया जाता है अगर आप बार बार रिफंड की प्रोसेस करते हैं तो, और कुछ दिनों बाद आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस बात की खास आप ध्यान रखें कि आप झूठ का कोई भी प्रोडक्ट के खिलाफ क्लेम ना करें। तो दोस्तों आप इस तरीके से Amazon के प्रोडक्ट को रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।